हेलो हेलो, क्या मिस्टर जॉन उनकी रूम में है? मिस्टर जॉन? जॉन डेविड। जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए हैं मैम। लेकिन कब? एक घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरी, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, सी यू। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, सुनो, सनीम कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों, अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरे से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं, आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनीम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला, चलो। हैव अ नाइस डे। वेलकम सनीम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं देखिए, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ, करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल एक साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती हैं। क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना, हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम, तुम मुझे देखो, देखो मुझे, मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा? क्या मैं ऐसा हूँ? बताओ, तुम्हें बताओ सनम। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी। मिस्टर जॉन, उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना, हा? अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन, सनम सनम सनम, मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो।
मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम, सनम प्लीज सुन जाओ। ऑलराइट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? यही रुको, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा अच्छा, मॉम मॉम, ये आपको क्या हुआ? ओह, अकेली आई हो तुम बेटा, फियांसे कहाँ है तुम्हारा? मॉम बहुत सारे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो गई कि किसे साथ में लेकर जाऊँ और किसे न ले जाऊँ। आई होप तुम्हारे भी ऐसे ही शैतान बच्चे हो और तुम्हें बहुत सताए, बल्कि एक नहीं बहुत सारे हो, और उन सब बच्चों के तुम जैसे तीन तीन फियांसे हो, और जब तुमसे मिलाना हो तब वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम्हें किससे मिलाए और किससे ना मिलाए, जैसे तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, समझी तुम? बिल्कुल ऐसे ही परेशान करे तुम्हें, जैसे तुम ऐसे घूम घूम कर मुझे परेशान करती रहती हो। हे ऊपर वाले, तुमने मुझे ऐसी बेटियां क्यों दी? मॉम आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज, मैं आपको सब सच बताती हूँ, शांत हो जाइए। वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? चुप रहिए, अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाइए, कुछ भी मत बोलिए आप। आपके बेटे के साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रही थी, तो आपको फिर उससे क्या? क्या तुम मेरी साइड ले रही हो? अरे वाह, आप ही की बेटी ने उस्मान से एंगेजमेंट की और आपको ये बात पता नहीं? यकीन नहीं होता आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कह रही है बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुन, आप हमारी सुन, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देती, पर फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, जल्दी ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ प्लीज। मेरा बेटा कहाँ है? ले जाओ। मुजफ्फर, मेरा बेटा। सनम हटो, क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी मॉम आ गई बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मॉम? कितना अच्छा मौसम है। उस्मान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। डैड, और तो तुम नहीं बचोगे। क्या कर रही हो? अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ सनम। मॉम ये बेलन प्लीज साइड में रख दीजिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। आप बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। जो भी हो जल्दी बोल दो बहना, वरना हमारी पिटाई ना हो जाए। ठीक है, बताती हूँ। पर मॉम प्लीज शांत हो जाइए पहले। हाँ बोलो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी प्यारी बातें सुनने के लिए तो मैं बैठा हूँ। वो ऑफिस में कुछ गलतफहमी हुई है। वो मैं ऑफिस में अकेला फील ना करूं और सब मुझे सीरियसली ले, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एंगेज हूं और मेरा फियांसी है उस्मान, इसीलिए वो भी फंस गया, लेकिन सच में मैं एंगेज नहीं हूं। सबको गलतफहमी हुई है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारे वो तीसरे फियांसी का क्या, मिस्टर जॉन? मॉम सनीम ने कुछ नहीं किया है, सच में ये उस गलत फहमी से भी बड़ी वाली गलत फहमी है, मेरा यकीन मानिए। और आप तो जानती ही हैं वैसे भी मिस्टर केन कहाँ है और सनीम कहाँ पर है, ये कभी नहीं हो सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। महकुबे सुना तुमने, ये तो एक छोटी सी गलत फहमी थी, उन्होंने सब सच बता दिया ना, अब वो बैलन रख भी दो, चलो प्लीज अब रख दो, रख दो। नहीं नहीं, हाँ देखो देखो इसकी बड़ी बड़ी आंखें, देखो ये जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी, एक और गलती की और मैं तुम्हें मसल दूंगी, समझी? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इस तरह से। क्या यही प्यार है? एक पल दूर होने पर कमी महसूस होती है, उसकी एक हंसी से सारी तकलीफें दूर हो जाती है, उसके दुख अपने से लगने लगते हैं, वो कहे तब आना, वो कहे तब जाना, उसके बात में छिपी वजह को ढूंढना,
क्या प्यार करना इन सवालों का जवाब है? कौन हूँ मैं? कौन है ये आदमी? कोई मतलबी इंसान है या प्यार का राजकुमार? उसकी आंखें गुस्से से भरी है, वो अंदर से बिल्कुल शेर है, पर एक जख्मी शेर, किसी को अपने पास नहीं आने देता। पर मुझे उसके साथ रहना है, बस उसी के साथ, पर ये मुमकिन नहीं है। सब शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर जॉन कहाँ पे? एक्सप्लेनेशन देंगे? उन्होंने रिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसने मेरे भाई को फंसाया? ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा, हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे, और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाहें। वो मिस्टर जान, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ यही चाहिए थी, लाओ चाय मुझे दो। थैंक यू। अब ठीक हो? हाँ। मिस्टर जान, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डैरन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमें एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला ऑफ कोर्स। सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट बना देते हैं। ओके, ठीक है ना? लैला, सनम कहाँ है? मैंने उसको अभी अभी मिस्टर जान के साथ देखा। अरे यार, क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया? सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जान, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जान, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूं। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये हिम्मत की होगी? डिजाइन मेरे कंप्यूटर में थे और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरी कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरन, ये बताओ तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना? इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, मैंने जो देखा वो आपको बताया। एनीवे, टीम को बुलाओ, हमें काम करना है, नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं।
सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? आई मीन तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जॉन, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। वो फाइल किसे दी है मुझे अभी बताइए। सनम चुप रहो, कोई सुन लेगा प्लीज। आई डोंट केयर, सबको सुनने दो। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज्यादा जॉब्स लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फाबरी तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है, और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। सनम प्लीज काम डाउन। अब मैं समझी, आपने मिस्टर जॉन को फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आपने वो फाइल किसे दी है? क्या किया आपने उस फाइल का? वो किसी को नहीं दी है। तो आपको फोटोज और फाइल क्यों चाहिए थी? क्या करने वाले थे आप उनका? ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, उसने फोटोज नहीं बताया तुम्हें, बेचैन हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैं उसे क्यों डालूंगा? मैं अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मुझ पर। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे मिस्टर जॉन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अब से मैं सिर्फ डिश वॉशर का काम करूंगी, वही बेहतर होगा। डेरेन, आपने हमें बुलाया, अंदर आओ। आज सुबह ही पता चला कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? मतलब आप ये कहना चाहती है कि जान सर के केस की वजह से है? ये तुम क्या बोल रहे हो जेजे? पहली बार काम कर रहे हो क्या? कैंसिलेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? जाओ अभी इन्हें कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। पर धरन मैम, कस्टमर्स अपसेट होंगे, लोग पेमेंट्स के लिए काफी देर से रुके हुए हैं, समझिए ना। वो मैं देख लूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके उनके पेमेंट्स क्लियर करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस कैंसिल कैंपेन की सारी फाइल्स इकट्ठा करो और उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दो। पर मिस डेरेन, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं कोई एक्सप्लेनेशंस देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो करो और जाओ इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो सनम? ठीक है, हम ये कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब मुझे कचरा कलेक्ट करना पड़ रहा है, अच्छे से रिसाइकल हो जाता है। अब ये काम भी मैं ही करूं। पागल औरत पेड़ काट रही है। हाँ सनम, जान अंदर है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ वो अंदर है, सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक नहीं है। जान के केस के बारे में एक बुरी खबर है, समझ नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे बताऊँ कि ऐसा हो गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? जान एक प्रेस्टीजियस फोटोग्राफ असेंबली का मेंबर है, और ये मेंबरशिप टर्की के सिलेक्टेड लोगों के पास है। जब तक ये पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंड मतलब? ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जान ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उससे वापस ले लिया गया है, और हम कुछ नहीं कर सकते इस बार। पर मिस्टर मैटिन, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? केस खत्म होने में और कितना वक्त लगेगा? शायद कुछ महीने, इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं सनम, शायद कई महीने कई साल,
हमें वेबसाइट का ऑनर अभी तक नहीं मिला है। उस साइट के काफी फॉलोअर्स है, उन्होंने उसके डिजाइन को भी अपलोड कर दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब खत्म कैसे होगा, आई मीन लीगल तरीके से? पता नहीं क्या होगा, आकिफ किसी हैकर से बात कर रहा है, पर मैं लॉयर हूँ, इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ मैं। चलो बाद में मिलता हूँ मैं।